तो मैं मंदिर से निकल गया और ये रास्ता जाता है महेंद्र केव की तरफ, महेंद्र गुफा, और वहीं पे एक चोमेरा गुफा है जो कि बैट केव की नाम से भी जानी जाती है। तो उधर की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से अभी 3 किलोमीटर बाकी है। तो अभी मेरे GoPro की बैटरी डेड हो चुकी है तो फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। तो जा रहा हूँ यार, और हालत अच्छा लग रहा है, हालत भी ख़राब हो रही है, बट ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, मुझे मज़ा आ रहा है। एंड अभी वही 3 किलोमीटर रह गया। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर रह गया यार, चढ़ाई बहुत थी तो टाइम लगा, एक दो बार तो मैंने रेस्ट भी ले लिया, बट थोड़ा सा टफ है, बट ठीक है, वर्थ है भाई, वर्थ है। तो अभी 1 किलोमीटर रह गया, जल्दी जल्दी पहुंचता हूँ, यहाँ से थोड़ी ढलान है इसलिए मैं अभी पेडलिंग कर ही नहीं रहा। हेलो, हे गाइस, तो यार थक गया मैं, सांस फूल रही है अब, और ये रास्ता है कुछ ऐसा, एंड काफ़ी चढ़ाई से आ रहा हूँ मैं। यार यहाँ के लोकल बंदे को कितना एक्सपीरियंस होता है। तो उसके बाद में फिर मैं जाऊँगा सारंगकोट वापस लेक साइड, एंड लेक साइड होते हुए 2-3 जगह हैं वहाँ पे, तो मुझे वो भी कैप्चर करनी है। उसके बाद में सारंगकोट की तरफ निकलेंगे क्योंकि सनसेट का टाइम हो चुका है, अभी 5-5:30 तक मुझे कैसे भी पहुँचना है, अब 1-2 घंटे में दिन ढल जाएगा तो सनसेट वाला टाइम है, तो मैं मिस नहीं करना चाहता। और ये एरिया बहुत सही है, यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह, लोगों ने केले वगैरह, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है साइड में, और यहाँ पे नीचे पार्क है ऊपर, और भी यहाँ से भी व्यू पॉइंट है, बट मैं सारंगकोट ही जाऊँगा, वहाँ से ज़्यादा बेस्ट है, वर्थ है वहाँ पे जाना। तो चलो जल्दी से पहुँचते हैं। ये छोटी स्कूल की बसेज हैं यहाँ पे, बहुत सही कलर में हो रखी है, कलरफुल बसेज हैं यहाँ पे, येलो, रेड, ब्लू, ओके। तो मैं पार्किंग पहुँच गया हूँ और मेरे सामने महेंद्र केव का एंट्रेंस, मुझे यहाँ पे आने में 20 मिनट लग गए साइकिल से ना। और तो ये महेंद्र केव की एंट्रेंस, टिकट हाउ मच, कितना? 80 रुपए। कितने? एक ही चाहिए। थैंक यू। सो ये महेंद्र केव के लिए टिकट है और 50 रुपीस, और नेपाली 80 रुपीस। साइकिल से मज़ा आया यार, लिटरली मज़ा आया। और मुझे ना इधर काले काले, वो पूरा काले काले हो रखा, बादल हो रखे, लगता है बारिश हो रही है, होने वाली है अभी। मैं रास्ते में से आ रहा था, कैप्चर नहीं कर सका बिकॉज GoPro की मेरी बैटरी डाउन थी, तो मैं चार्ज करने के लिए ना, मैं सेकंड बैटरी ना हॉस्टल में भूल गया, बाकी मैंने सामान कम कर लिया,
सो दैट कि ज़्यादा ना दिक्कत हो वेट की वजह से। तो काफ़ी मज़ा आया साइकिल से, तो अभी चलते हैं महेंद्र केव। और ये रास्ता नीचे की तरफ, तो मैं ना वो रास्ता अच्छा था शूट नहीं कर पाया बीच में एक जगह पे। इट्स महेंद्र केव, तो ये है केव। हाँ यार, तो अंधेरा है बट एक एक लाइट लगा रखी है यहाँ पे, और पानी टिप 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 करके बरस रहा है नीचे। सेफ्टी रास्ते हैं, ऊपर ना बैट्स लटकी हुई हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है। और ये ऊपर से टिप 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 करके पानी टपक रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पूरा पानी से भरा हुआ है। और ये पत्थर है, काफी बड़े बड़े चट्टानें से ही हैं अंदर। रोग कष्ट संपूर्ण परिवार को कल्याण दीर्घायु सुस्वास्थ्य को मंगलमय कामना। सिद्धि विनायक भगवान कड़ी का मंदिर। ओम गजानन भूतगणाधि शिवतुंग प्रयोगतुंग प्रचार वक्षण ममाशतम शोक विनाश कारक नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। संपूर्ण परिवार सुख शांति समृद्धि दीर्घायु सुस्वास्थ्य को मंगल, संपूर्ण मनोकामना पूरा हो, रोग कष्ट हरण हो। गणपति बाबा सिद्धि विनायक। ये केव काफ़ी छोटी है बट ठीक है,
और ये छोटे छोटे ना चट लाइक पत्थर निकले पड़े हैं यहाँ पे ना, छोटे छोटे से कील है, कील होती ना वैसे छोटी छोटी कील पूरा निकला पड़ा। एक बार को मैं डर गया कहीं बैट्स तो नहीं है, लग भी बैट टाइप की रही हैं। और ये ऐसे नीचे तक पता नहीं कहाँ कहाँ गड्ढे हो रखे हैं इसमें, और काफ़ी मोटे मोटे पत्थर हैं चट्टानों से। पानी बहुत है अंदर, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। ऊपर ऐसा कुछ है भी नहीं कि कुछ हो, रिवर वगैरह छोटे मोटे पानी के, पर यहाँ पानी बहुत टपक रहा है। और ये लग तो नहीं रहा काट के बनाया हुआ है, पर ये थोड़ा थोड़ा बीच में लग रहा है कि केव के लिए ऐसे बनाया है, जैसा ये टूरिस्ट अट्रैक्शन, तो इतना कुछ खास नहीं है, बट ठीक है। इधर भी और इस तरीके से इतनी बड़ी केव थी, बैट बीच में तो थी, तो ये लाइट वगैरह सब लगा रखे इधर। हाँ बस यही है। ऑल राइट गाइज, तो दैट्स इट फॉर टुडे महेंद्र के। तो ये वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो फिर बड़ी हो जाती हैं तो यार फिर देखने में आई अंडरस्टैंड कि वीडियो में ना थोड़ा सा फिर 20 मिनट की वीडियो नहीं देख पाते सभी लोग, तो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं शॉर्ट रखूँ, 10 से 15 मिनट भी कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो अभी जितनी भी प्लेसेस एक्सप्लोर करूँगा मैं, या तो एक वीडियो में 2 प्लेसेस रखूँगा या मैक्सिमम 3, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा ईजी रहे देखने में। और मुझे साइकिलिंग में बड़ा मज़ा आया, तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई मेरे भाई बंधुओं, प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ परिवार के साथ शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं और जगह भी घूमूं और नई नई वीडियोस बनाऊं, अच्छे तरीके से भी वीडियोस बनाता रहूं। तो सपोर्ट चाहिए, और आप लोग अगर दिल से मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक मेरा लिंक है और नंबर भी है, तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्राउड फंडिंग सपोर्ट की तरह मुझे कर सकते हो, तो वहाँ पे डोनेशन भी आप कर सकते हो। तो आई होप यू एंजॉयड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।